उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। आखिर आज आपका दिन कैसा जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा आपके लिए, आज हम बताएंगे अपने कार्यक्रम में आपको और भी बहुत कुछ खास। देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा खास कार्यक्रम। और जो भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं जल्दी से हमारे साथ जुड़े, नंबर आपके सामने फ्लैश होंगे, जो भी सवाल है जल्दी से जवाब देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे टैरो एक्सपर्ट एंड लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा का, जो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, शुक्रिया। सीमा जी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज जानेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा दिन कैसे अच्छा जाएगा, दिन की शुरुआत कैसे की जाए कि पूरा दिन अच्छा हो। उसके लिए कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे सूत्र बताइए कि सुबह उठकर इंसान को क्या करना चाहिए जो कि पूरे दिन खुश रहे और पूरा दिन बहुत अच्छा जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हर रोज हम इंसान जो है वो इतना ज्यादा अपने एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं कि हमें अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही, मतलब जल्दबाजी में ना उठें, हमेशा अपने भगवान का, अपने गुरु का, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो सभी अपने गुरु को ध्यान करें। और जहाँ तक बात आती है जिससे भी आपको स्ट्रेंथ मिलती है, वो गुरु आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके भगवान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो व्यक्ति आपको स्ट्रेंथ देता है आप उसका ध्यान करें और शुक्रगुजार करें अपने सुंदर जीवन का। और ये ना सोचे कि उसका चेहरा देख लिया ये परेशानी हो गई, या मैं यहाँ चला गया इसलिए परेशानी हो गई, या मेरा काम नहीं, ये सब ये लोग बोलते हैं। जिनके पास रोजाना का कोई उद्देश्य नहीं होता वो मुद्दा ढूंढते हैं कि आज का दिन कैसे व्यतीत किया जाए। तो ये मुद्दा आप ना ढूंढें, शुक्रगुजार होएं और देखें कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है आज के दिन का, तो आपको ये भावनाएं कभी नहीं आएंगी। और अपनी जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी प्रेशियस है, खूबसूरत है, छोटी है, एक ही बार मिलेगी, उसमें जो बेस्ट करना चाहें, जो बेस्ट करना चाहिए वो करना चाहिए आपको। तो बिल्कुल, सुबह सुबह उठकर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने इसका दिन देख लिया इसलिए आज का दिन बहुत बुरा जाएगा, आखिर कैसे गुजरेगा आज का दिन, ये सब नहीं सोचना चाहिए। हमें सुबह उठकर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने इष्टदेव भगवान को, जिनको हम मानते हैं, थोड़ा सा उनका ध्यान देकर फिर हमें आगे की दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करनाल से पवन है इस वक्त फोन लाइन पर। पवन बोलिए, क्या कुछ सवाल है? पवन आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम, बोलिए पवन, क्या कुछ सवाल है आपका? सरकारी नौकरी के बारे में मैम। तो पद बताइए पवन। हाँ जी, 10/1/1992 जी, 10/1/1992 जी, 10/1/1992 आपका सवाल क्या है पवन जी? मैम सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी के बारे में तो जहाँ तक बात आती है, आपका नंबर 10/1/1992 है। पहली बात तो आपका नंबर सन प्लेनेट को डिपिक्ट करता है और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड करने वाले हैं। जहाँ तक बात आती है कि आपकी खुशी खाली गवर्नमेंट जॉब में है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इसके लिए कार्ड देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरी जॉब भी मिले तो उसमें भी आप बहुत खुश रहने वाले हैं, उसमें भी आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। तो यहाँ पे आया, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, कार्ड पॉजिटिव आया है, लेकिन दूसरी जॉब में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो कई बार क्या होता है, कई लोगों को बड़ी जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं इससे बेटर कर पाता हूँ। बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहूँगी पवन जी, आपकी पोटेंशियल जो है, आपकी कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट जॉब में आप बंद के रह जाएं सिर्फ इसके चलते कि यहाँ पे थोड़ी निश्चितता है। तो निश्चितता के ना की तरफ ना सोचकर आप ये सोचें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आप उसी का चुनाव करें। बिल्कुल, तो पवन उम्मीद है आपके सवालों का जवाब भी आपको मिल गया है। आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप एक निश्चितता में ना बने, आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि इसे निश्चित हो जाए कि नहीं सिर्फ इतना ही करना है, आपको बेहतर करके दिखाना है और आपकी कैपेसिटी भी इतनी है कि आप बहुत ज्यादा करेंगे। सीमा जी हम बात कर रहे थे कि सुबह उठकर दिन कैसे अच्छा बिताना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मतलब लोगों के भ्रम कह लीजिए कुछ भी, क्योंकि कई बार हम रियल लाइफ में देखते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं, अरे आज हम सुबह उठे तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या सुबह उठे तो खाली बर्तन आगे हो गए, या फिर सुबह उठे तो किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देख लिया कि आज का पूरा दिन खराब हो गया जी। तो अगर ऐसे भ्रम है किसी के अंदर और अगर ऐसा अपशगुन हो भी जाता है,
तो आखिर क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन सब भ्रमों से हम दूर रहें और हमें सिर्फ अपना दिन जो है वो बहुत ही खुशहाली के साथ बिताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का कुछ हो गया है तो उसको भी आप अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो मैग्नेट है और आपके ब्रेन में जो है जो चीज़ आप एक चीज़ सोचेंगे वो मल्टीप्लाई होगी। तो अगर आपको आज बिल्ली ने भी रास्ता काट लिया, तो मैं इस चीज़ को ऐसे बोलती हूँ, कैट इज़ वेरी लकी फॉर मी, आज मुझे सुबह सुबह बिल्ली के दर्शन हुए तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि हम इस तरह के भ्रमों से दूर रहकर अगर ये सोचते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा, सपोज अगर कुछ बुरा हुआ या आज मेरे रिजल्ट जो है वो मेरे फेवर में नहीं आए, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मुझे ये प्रेरणा देते हैं, ये मेरा माइंडसेट है। आप भी इस तरह का माइंडसेट कर सकते हैं कि अगर मेरा आज रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो मुझे ये पक्का पता है कि भगवान ने मुझे कुछ और देना था, इसलिए भगवान ने मुझे पॉजिटिव नहीं ये रिजल्ट दिया। तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप अगर पॉजिटिव सोचें और ये सब भ्रांतियाँ दिमाग में ना लाएं, क्योंकि इसके चलते वो आज जो उन्होंने करना है वो नहीं कर पाते, और अगर जो आज करना है वो आज का काम कल पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी योजनाओं को आप अपनी सफलता से बहुत अलग कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अपना आपको पॉजिटिव सोच के और ये सोच के दिन की शुरुआत करनी है कि आज मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है, इसको मैं फुल्ली यूटिलाइज करूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो यही करना है आपको भी। चलिए बिल्कुल, तो हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए सकारात्मक सोच के साथ, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, और पॉजिटिव अगर हम सोचेंगे तो एनर्जी भी पॉजिटिव हमारे अंदर रहेगी और सारे काम हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक नतीजे के साथ ही हमारे होंगे। हमारे साथ संतोष है फोन लाइन पर इस वक्त राजस्थान से। बोले संतोष, क्या कुछ सवाल है आपका? मेरी जन्मतिथि है 3 जनवरी 1997। सवाल मुझे यही पूछना है कि मतलब मेरा भविष्य कैसा होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल, जहाँ तक बात करते हैं आपके नंबर की तो बहुत ही अच्छे नंबर है, लेकिन आप बहुत सैक्रिफाइस नेचर के हैं, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे देखना चाहूँगी कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और आपका आपने पूछा भविष्य कैसे होगा, मुझे लगता है कि जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया उस दिन से आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जब हम ज़्यादा दूसरों को खुशी देने के बारे में सोचते हैं, कि मैं ये नहीं कहती कि नहीं करो, लेकिन अगर आप खुश हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, तो आप ज़्यादा लोगों को प्रसन्नता दे सकते हैं, लोगों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी खुशी के बारे में सोचें। यहाँ पे आया आपका भविष्य बहुत, गवर्नमेंट जॉब के लिए कार्ड उतने पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेकिन टीचिंग बहुत अच्छी कर सकती हैं, आप टीचर बन सकती हैं, तो आप उस प्रोफेशन में, बिकॉज इंस्ट्रक्टर क्वालिटीज़ है आपके अंदर। जहाँ तक बात आती है आपके आगे के भविष्य की, तो दूसरों से प्रभावित ना हो, दूसरों की बातें ना सुने, सुने सबकी, करे मन की वाला बात अपना लें, तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए संतोष जी, आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, सबकी सुनिए लेकिन वही करिए जो आपका मन कहता है। सुखविंदर कौर है इस वक्त फोन लाइन पर, सुखविंदर जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी, हमने अपने भाई के बारे में पूछना था, उसका नाम अमरजीत सिंह है जी। डेट ऑफ बर्थ? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/5/1981 जी। सवाल क्या है आपका? भाई का जैसे शादी हुई थी वो तलाक, अब उसका बाहर का बनाया था वो भी नहीं हुआ है, उसकी कैसी उसकी किस्मत है जी? पहली बात, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/5/81, उसके हिसाब से उनका बाहर जाना निश्चित है। यहाँ पे ये देख लेती हूँ कि बाहर जाना और आगे का भविष्य और आगे शादी की जिंदगी कैसे रहने वाली है, तो अभी फोकस उनको मेरे को नहीं लगता कि शादी पे करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, और शादी के लिए भी बहुत अच्छा आ रहा है कार्ड, लाइक जैसे अब बाद में शादी करेंगे तो बहुत खुश रहने वाले हैं। जहाँ तक बात आती है फ्यूचर की, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, और जहाँ ये प्लान कर रहे हैं कुछ बाहर जाने के लिए काम को लेकर, तो एक जैसे कुछ लोग काम के लिए जाते हैं, कुछ लोग शादी करके जाते हैं, कुछ इस तरह से कुछ पढ़ाई का उद्देश्य बनाकर जाएं, तो उनको जरूर सफलता मिलेगी, वो बाहर भी जाएंगे और उनकी आगे की शादी की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चलेगी। कभी कभी किसी किसी के साथ लेना देना होता है, कुछ कार्मिक इश्यूज़ होते हैं, तो आपका उनके साथ हुआ और अब अलहदा भी हुए, तो इसलिए अभी इसको बात को सोच के ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब आगे की जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनाया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए।
बिल्कुल सुखविंदर कौर जी, आपके भाई का आगे का समय बहुत अच्छा है, कार्ड्स भी उनके लिए पॉजिटिव आए हैं। शादी की बात है सीमा जी, कई बार हम देखते हैं कि शादी के बहुत ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं कि आखिर शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावट आ रही है, तो कोई एक ऐसा सूत्र बताइए जिसमें शादी में अगर रुकावट आ रही हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसे कौन सा एक छोटा सा उपाय जिससे शादी का योग जल्दी बने। अगर शादी की बात करें तो भगवान शिव की आराधना करने से, सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाने से सबसे बड़ी बात है कि अगर तन से मन से धन से सोचें कि आप हमें फिक्स होना है, पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप सोचें कि आपको शादी करनी है, कैसा पार्टनर चाहिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन कॉम्प्रोमाइज, जिंदगी का नाम, शादी का नाम कॉम्प्रोमाइज है। शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे आपको हर तरह में हर परिस्थिति में अपने आप को डालना पड़ता है। तो अगर आप अपने आप को उस तरीके के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, ट्रस्ट के लिए तैयार हैं, फेथ के लिए तैयार हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार हैं, तो ही शादी के लिए कदम उठाए आजकल। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, अनकंडीशनल लव तो किसी को नहीं है, सैक्रिफाइस करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और शादी करते हैं, करते ही शादियाँ टूटती हैं। ये मैं रोज़ाना केसेस देखती हूँ इस तरह के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से आप शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आप अपने पर भी फेथ रखें, अपने पार्टनर पर भी फेथ रखें, और कंडीशंस ना लगाएं। ये ना कहें कि मैं ये नहीं दूंगा, मैं ये दूंगा, या मैं तुम्हें ये करना होगा, मुझे ये करना होगा। पुराने ज़माने में मुझे याद है, जहाँ तक हमारे पेरेंट्स थे, वो एक दूसरे पर इतने समर्पित भाव से रहते थे कि ये नहीं है कि छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं होते थे, होते थे, रोज़ होते थे, लेकिन वो बच्चों के बारे में सोचते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो बच्चों के बारे में तो सोचते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि मैं सेपरेट हो जाऊं, मैं उसके साथ शादी बना लूं, उसके साथ शादी बना लूं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू लीड अ गुड लाइफ। जब आप समर्पण भाव से सोचेंगे तो आपकी लाइफ, आपकी शादी की लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी। बिल्कुल, तो शादी कोई ऐसा नहीं है कि कोई खेल है, आपको बहुत ही संजीदगी के साथ ये रिश्ते निभाने होते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने आज शादी की कल तोड़ दी, ऐसा नहीं है। तो फुली प्रिपेयर होने के बाद ही शादी के लिए सोचना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे तीन दिन में छू मंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। अरे भाई कौन सो रही हो, क्या कर रहे हो? हम वन विभाग के कर्मचारी हैं और यहाँ खेतों में पौधे लगा रहे हैं। पर यह तो मेरा चाचा राम सिंह की जमीन है, तुम इसमें पौधे किस तरह लगवा रहे हो? राम सिंह की परमिशन से पौधे लगाए जा रहे हैं। पर क्यों भाई? ये वन विभाग की एक योजना है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर लगते किसानों के खेतों में मुफ्त पौधे लगाए जाते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो रोड के साथ लगते खेतों में हरियाली होती है जिससे प्रदूषण कम होता है, दूसरा किसानों को लाखों की आमदनी होती है। लाखों की, वाह किस तरह भाई। ये जो पौधे लगाए जाते हैं इसकी 3 साल तक देखरेख वन विभाग के कर्मचारी करेंगे, इसके बाद ये पौधे किसान को सौंप दिए जाएंगे और किसान इससे अच्छी आमदनी ले सकता है। वन विभाग इसमें कुछ नहीं लेगा? वन विभाग इसमें कुछ नहीं लेगा, सारी आमदनी किसान की होगी। अरे भाई यह तो वाह बात होगी, हींग लगे न फिटकड़ी और रंग चोखा आए। राष्ट्रीय या राज्य मार्गों के नजदीक लगते खेतों में यदि कोई किसान पौधे लगवाना चाहता है तो अपने जिले के वन मंडल अधिकारी से संपर्क करें। सिरसा में अब खत्म हुआ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नकली माल तो बच के असली फर्टिस की पहचान री पत्ती का निशान जरूर देख ले। सिर्फ कोसावेट फर्टिस ही 90% असली सल्फर खाद है। किसान भाइयों, आप कृषि वानिकी अपनाकर अपने खेतों में हरियाली के साथ साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। रे भाई महेश, तू बड़ा समझदार किसान होगा। जे भाई, पीसे कमाने हैं तो समझदार तो बनना पड़ेगा। भैया, समझदारी दूसरे किसान ने भी तो बता। भाइयों बात सुनियो, मैंने लाए थे वन विभाग की तरफ से 5 एकड़ में पॉपुलर, ना तो कोई खर्चा, कम मेहनत और आमदनी 5-6 साल पाछे लाखों में। अरे भैया, तो तेरी बैंक FD होगी। अरे बैंक FD में तो पीछे जमा कराने पड़े, या तो फ्री की FD है। रहने दे भाई, तेरा वहाँ गणे किले और मेरा वहाँ 2 किले। अरे भाई, जिन किसान है थोड़ी जमीन वो अपनी डोरा पे ला ले, फसल की फसल और आमदनी लाखों में। अरे किसान भाइयों, आपका यह बात समझ आ गई तो आज वन विभाग जाओ और इसकी पूरी जानकारी ले। जो किसान अपने खेतों में पॉपुलर, शीशम, सफेदा, हलंथस व अन्य फलदार पौधे लगाकर अतिरिक्त आमदनी लेना चाहते हैं, वो अपने जिले के वन मंडल अधिकारी से संपर्क करें। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस रोहतक। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 3:30 बजे से 7 बजे तक यहां कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्वविख्यात जया किशोरी जी। विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया तारकेश्वरम धाम सिरसा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा मिड्डा, जो आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर कोई भी आपका सवाल है तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, समय बेहद ही कम बचा है, और जल्दी से जल्दी अपने जो भी सवाल है उनके जवाब पाइए।
सीमा जी, हम बात कर रहे थे शादी के बारे में कि आखिर शादी कैसा रिश्ता है, अगर शादी नहीं होती तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए। आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही, बहुत ही अच्छे सूत्र बताए कि कभी भी हमें ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते के लिए सोचना चाहिए या फिर सिर्फ सेल्फनेस नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। नहीं, कई लोग शादी का रिश्ता इसलिए खराब करते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए शादी की थी, और कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने इस, क्योंकि लड़की जॉब करती है इसलिए मैंने शादी की थी। कई लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छी फैमिली से है उनका फायदा उठाने के लिए। जब आप इन ये शादी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, अगर आप उसमें ये एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि यहाँ पे अब आपको पार्टनर इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो शादी का रिश्ता चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी आशाएं जो है वो पूरी नहीं होती। सीमा जी, अब वक्त हो चुका है जो दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके उस संदेश का जिसको वो फॉलो करते हैं और उन्हें बहुत कुछ उससे हासिल भी होता है, तो वो संदेश क्या है दर्शकों के लिए वो जानेंगे। जी जरूर बताना चाहूंगी। आज की कहानी जो है वो आज के हमारे डिस्कशन को लेकर, जो हमारा डिस्कशन शादी को लेकर या और लाइफ के और इश्यूज को लेकर शुरू हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले लाइफ में अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी को कोई मायने नहीं है। अपनी वर्थ आपको पता होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से एक छोटी सी कहानी अर्ज करती हूँ कि एक किसान था, उसके पास दो पानी के मटके थे जिससे वो सिंचाई करता था खेतों में। एक मटका जो था वो साबुत भरा रहता था और एक मटके में थोड़ा सा छेद हो गया और क्रैक हो गया, जिसकी वजह से वो पानी लीक करने लगा। क्योंकि वो इतना गरीब था कि और मटका खरीद नहीं सकता था, तो जो लीक वाला मटका था वो उसका भी इस्तेमाल करता था। तो जो भरा मटका था वो बड़ा प्राउड से कहता था कि देखो मेरी वजह से पूरा खेत सींचा जाता है, तुम्हारा पानी तो रास्ते में गिरता जाता है। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि दूसरे लोग भी हमें कॉम्प्लेक्स में लाते हैं, लेकिन वो मटका ये कहता था कुछ थोड़ा बहुत किसान की सपोर्ट कर सकता हूँ, उतना ही कर सकूँगा। लेकिन धीरे धीरे जब रोज ये बात सुनने लगा तो उसको भी अपने अंदर अविश्वास आ गया कि वाकई में मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, मैं तो इसकी तरह से दूसरा खेत सींच ही नहीं पाता हूँ। क्योंकि रास्ते में जब आता था पूरा पानी टपक टपक के, वो वहां तक पहुंचते हुए थोड़ा ही बच जाता था, तो अपने आप पे बहुत अविश्वास होने लगा उसको। लेकिन किसान को ये बात अच्छी लगती थी कि मेरे पास एक नहीं दो मटके हैं, मैं दोनों को लेकर सिंचाई करता हूँ। वो हिम्मत नहीं हारा देखकर, लेकिन किसान को देखकर उस मटके को जिसमें छेद हो गया था उसमें भी थोड़ा विश्वास आने लगा। एक दिन क्या देखते हैं कि जिस जगह से किसान पानी लेकर खेत तक आता था, रास्ते में छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल खिले हैं, लेकिन वो फूल जो है उस क्रैक मटके से जो पानी निकला है उसी से वो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो किसी तरह से उस मटके को इतनी खुशी हुई इस बात को देखकर कि मेरी वजह से किसी और के लाइफ को, किसी को लाइफ मिली और कहीं और खुशियां बिखेर कर आ सकता हूं मैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, आप ये ना सोचे कि यहाँ काम आप ठीक नहीं कर पा रहे, जहां भी आप ठीक कर पा रहे हैं, जिसकी लाइफ में भी आप खुशियां दे पा रहे हैं, अपनी वर्थ को सबसे पहचाने पहले और अपने आप पे बिलीव करें तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। बिल्कुल, आपको खुद पर विश्वास करना है तभी आपकी जिंदगी बेहतर होगी। सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इतना समय देने के लिए। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर से होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Da 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 da